शहर के शिवनगर मोहल्ला में 100 मीटर के जगह 50 मीटर हो रहा है नाला का निर्माण, मोहल्ले वासियों में आक्रोश। हम आपको बता दें कि हिलसा नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 15 के अंतर्गत शिवनगर मोहल्ला में हिलसा नगर परिषद के द्वारा नाला का निर्माण हो रहा है, जो कि 100 मीटर के जगह 50 मीटर ही हो रहा है, जिसको लेकर मोहल्ले वासियों में काफी आक्रोश है। वक्त हमारी मौजूदगी हिलसा नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 15 के शिवनगर में है। यहाँ के स्थानीय लोगों में आक्रोश है। कहना है कि कुछ इसमें केस मुकदमा भी हुआ था, जो कि जनकधारी प्रसाद से लेकर चंदन इंग्लिश क्लास तक ही नाला का निर्माण कराया जा रहा है। आइए स्थानीय लोगों से जानते हैं क्या मामला है। मामला है कि हम लोग वार्ड नंबर 15 के शिवनगर मोहल्ले के निवासी हैं और वार्ड परिषद के द्वारा नगर परिषद के द्वारा नाला का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें आधे अधूरा नाला का निर्माण किया जा रहा है, जिससे काफी लोगों को तकलीफ होगा। जनता इसे खुश नहीं है। यदि पूरे नाला नहीं बनता है केडी पब्लिक स्कूल तक, तो हम लोग इसका विरोध करेंगे और नाला बनने में रोक लगा देंगे। इसीलिए नाला को पूरे निर्माण करना जरूरी है। बताइए क्या कहेंगे। ऋषि पटेल जी हैं बगल में, अरविंद पापा सही बोले कि वहाँ से जब बन रहा है, जब तक यह पूरा नहीं बनेगा तब तक तो दिक्कत ही होगा और आने जाने में समस्या उत्पन्न ही रहेगी और पानी जल जमाव हमेशा उत्पन्न ही रहेगी। इसीलिए हम लोग जब तक पूरा नहीं बनेगा केडी पब्लिक स्कूल तक इसका विरोध करेंगे। नगर परिषद को क्या शिकायत किया गया है बताइए। चाह रहा है संजय जी के मकान तक बनाना चाह रहा है और इधर डैमेज नाली डैमेज होल है, पानी नहीं निकल रहा है, पानी गली में आ रहा है, उसको देखने का चीज है सामने है। जिस जगह हम लोग खड़े हैं वहाँ क्षतिग्रस्त है, क्षतिग्रस्त है, पूरी नाला क्षतिग्रस्त है, जाम होने ट्रैक्टर आने से दब गया है, पानी नहीं निकलता, नहीं निकल पा रहा, गली नहीं बिग रहा है। छठ पूजा का सीजन है तो इस तरह से यह गली अगर रहती है तो लोगों को काफी परेशानी होगी। और यह स्टेशन रोड और तालाब पर का मेन रास्ता है, हजारों लोग डेली आवाजाही करते हैं, डेली गाड़ियां यहां पे गिरती है, डेली लोग गिरते हैं, समस्या होती है लोगों को, इसलिए जल्दबाजी में बनाना जरूरी है। आप छठ पर्व की बात कर रहे हैं, बता दें कि हिलसा शहर के सूर्य मंदिर छठ घाट पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं यहां छठ व्रत करने के लिए और कहा जाता है कि हिलसा रेलवे स्टेशन के पश्चिमी इलाका जो कि आधा दर्जन से भी अधिक गाँव के लोग इसी रास्ते से शायद जाते हैं, क्या आप क्या कहेंगे बताइए। हाँ तो ये जरूरी है कि जितने भी लोग लगभग स्टेशन से होकर गुजरते हैं इसी रास्ते से जाते हैं, प्लस डेली 5000 स्टूडेंट्स यहाँ से गुजरते हैं, लोगों को समस्या होती है, भीड़ भाड़ रहता है, लोग गिर जाते हैं, इसलिए तत्काल इसको बनाना जरूरी है। अगर है यहाँ पर नाला का निर्माण हो रहा है आपके दरवाजे पर, क्या समस्या आ रही है यहाँ पर। समस्या यही है कि डोम लग रहा पानी ता ना बनना चाहिए, अभी पूरा नहीं बनता है ता आधा बन रहा, नहीं पूरा बनना चाहिए, अभी आधा बनाया जा रहा है, जिसका विरोध कर रहे हैं आप लोग जी, आप क्या कहेंगे। हम तो वही बतिया बोल रही है, है? आप ही के दरवाजे के पास में खुदाई हुआ है। हाँ हमारे बने खुदाई हो रही है, आपके दरवाजे पर नाला का निर्माण हो रहा है, क्या कहेंगे। घर में पानी है, रेला निकला नहीं आओ, नहीं निकलता है। अच्छा ये आपके घर के पास में काफी गड्ढा है या इधर कम गड्ढा है, इस पर क्या कहें। गड्ढा है ना ऊंचा है जो उठा रुके है जे, पूरा नलिया बनाई थी ना, आधे नलिया बना रहे थे, है आधे नलिया बन रहे है, पानी घर में रह जा है।